विधि परिवार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है। चौथे स्वप्न में त्रिशला माता ने श्रीदेवी के दर्शन किए। हिमवंत नामक पर्वत के ऊपर एक अत्यंत मनोहर पद्मद्रह है। वहां कमल रूपी वास भवन में श्रीदेवी रहती है। इस जमुद्वीप में भरत क्षेत्र की उत्तर दिशा में हिमवंत नामक सुवर्ण पर्वत है। उसके मध्य भाग में पद्मद्रह नामक सरोवर है। इस सरोवर के मध्य में एक मुख्य कमल है। उस कमल में एक सुवर्णमय कर्णिका है। उस कर्णिका के ऊपर श्रीदेवी का भवन है। इस मूल कमल तथा उसकी चारों दिशाओं में छह वलयों में आधे आधे प्रमाण से स्थित कमलों को मिलाकर कुल 1,20,50,120 कमल है। श्रीदेवी के चरण द्रय सुवर्ण में खड़े हुए कछुओं की तरह उन्नत है और उंगली की तरह ढलते हुए हैं। पैरों की उंगलियां कोमल एवं श्रेष्ठ हैं। हाथ पैरों के तलुए कमल पत्र की तरह सुकुमार है। विविध आभरण आभूषण एवं अलंकारों की शोभा से उनका मुख कमल शोभायमान है। उनके उभय नेत्र कमल दल के समान निर्मल दीर्घ एवं मनोहर है। देवों को पसीना नहीं आता, फिर भी लीला के लिए उन्होंने एक हाथ में सुंदर पंखा धारण किया है। उनके केश मुलायम तेजस्वी कोमल तथा सूक्ष्म है। ऐसी श्रीदेवी ऊपर निर्देशित कमल में स्थित है एवं एरावणादि दिग्धहस्ती अपनी पुष्ट सुंडों द्वारा उन्हें अभिषेक कर रहे हैं। त्रिशला देवी ने चौथे महास्वप्न में समस्त वैभव समेत श्रीदेवी को देखा। करे गजेंद्र जी रुम जुम करती आई है वो रिद्धि सिद्धि देने जी।